ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। देख रहे हैं आप काट की एनर्जी। तो जिस किसी भी परमात्मा पशु महेश्वर ईश्वर शक्ति को आप डिवाइन को मानते हैं उनका ध्यान कीजिए ताकि हम आपकी गाइडेंस निकाल सकें। गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स, गाइडेंस फॉर माई व्यूज, गाइडेंस फॉर माई व्यूवर्स। परमेश्वर आपको बताना चाहे, पहले मैं नंबर्स बता देती हूँ। 4, 27, 10, 15, 44। तो ये किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है आपकी, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी हो सकती है। 9 नंबर हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। 8 मंथ जैसे अगस्त आने वाला है वो हो सकता है। तो इसमें आ रहा है बैलेंस। अब आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होने वाला है और वो चीज़ें बैलेंस करने के लिए जो स्ट्रेंथ आपके पास अभी तक नहीं थी, परमात्मा ने वो स्ट्रेंथ आपको दी। और वो स्ट्रेंथ आपको कैसे दी है? फॉरगिवनेस से। जो भी आपकी लाइफ में बैगेजेस थे, जो भी आपकी लाइफ में बिटरनेस थी, उन लोगों को आपने फॉरगिव करके अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है, रिलीज कर दिया उस बिटरनेस को आपने अपनी लाइफ से, तभी आप आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ पहचान ली है। जब आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचाना तभी आपने उन चीज़ों को रिलीज़ किया है, तभी आपने फॉरगिवनेस किया, तभी आपको वो स्ट्रेंथ आई है और तभी आपने बैलेंस किया है। और ये इमोशनल हीलिंग, तभी आपने इमोशनल को हील किया है, आपका जो हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है ये साइकिल आपका, तभी आपने इन सब चीज़ों को अचीव किया है। 34 नंबर आपकी एज हो सकती है, जिनके लिए देख रहे हैं उनकी हो सकती है। 7 नंबर भी हो सकता है। और ये जो आपको ये सारी हीलिंग है, ये सारा प्रोसेस है, ये डिवाइन गाइडेंस है। 33 6 नंबर। तो ये सारा जो है, ये सारा एक प्रोसेस है, ये डिवाइन का ही सारा, कहते हैं ना, खेल रचाया हुआ है। डिवाइन ने इस सब प्रोसेस के थ्रू आपको जो लाइफ में लेसन सिखाने थे वो आपको सिखाए हैं। तो ये सारा डिवाइन का ही है मोटिवेशन। अब आपको परमेश्वर ने ही मोटिवेशन दी है कि जो सारा पीछे का है उसको सब छोड़ छाड़ के आगे बढ़ो। तो आगे की तरफ बढ़ते जाइए और अब पीछे मुड़ के कभी भी मत देखिए, क्योंकि तरक्की आपके सामने है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के बच्चे हो, आप चूजन वन हो। तो आप इसी तरह अपने पथ पर आगे बढ़ते जाइए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।